विभागीय जांच से संतुष्ट नहीं बर्खास्त आरक्षक नीरज टोनी, आखिर क्या वजह रही जिससे आरक्षक बन गया बागी। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्र पर बर्खास्त आरक्षक नीरज टोनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि इसमें उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा एसपी साहब से निवेदन कर कहा गया था कि मुझे यहां जांच नहीं करवाना, पर इसके बावजूद भी उन्होंने मनमानी करते हुए मेरे ऊपर जांच बैठाई और मुझे बर्खास्त कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, हम आपको बता दें कि 5 और 6 तारीख को ईवीएम सुरक्षा के लिए कलेक्ट्रेट गुना में गार्ड की ड्यूटी लगाई गई और यहां पर बिना सूचना प्रधान आरक्षक भगवत रिपीट मिली जानकारी के अनुसार 5 और 6 को ईवीएम सुरक्षा के लिए कलेक्ट्रेट गुना में गार्ड की ड्यूटी लगाई गई थी। इसमें बिना सूचना प्रधान आरक्षक भगवान सिंह, सीताराम वर्मा, कैलाश मुंगिया और नीरज जोशी बिना किसी कारण से वहां से बताए हुए चले गए थे और इसी के चलते ईवीएम की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर जांच के लिए राजीव कुमार मिश्रा के द्वारा विभागीय जांच एसडीओपी चाचोड़ा थाना प्रभारी मृकवासा को इसका जिम्मा सौंपा गया और साथ ही साथ जांच की गई तो इसमें एसडीओपी चाचोड़ा एवं मृकवास थाना प्रभारी के द्वारा 24 पन्नों की एक फाइल और एक सीडी बनाई गई और साथ ही साथ इस मामले में पूरी जांच की गई जिसमें प्रधान आरक्षक सीताराम वर्मा और कैलाश मुंगिया के द्वारा अपने आप को तबीयत खराब होने का कारण बताया गया, जिस पर मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रधान आरक्षक भगवान सिंह, सीताराम वर्मा, आरक्षक कैलाश मुंगिया को सजा सुनाई गई। इसमें दंड स्वरूप 1 वर्ष तक के वेतन वृद्धि रोक दी गई और साथ ही साथ आपको बता दें कि विभागीय जांच में आरक्षक नीरज जोशी के खिलाफ राइफल और गोली सहित फरार सोशल मीडिया पर उसके द्वारा बागी बनने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर विभाग के द्वारा उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और साथ ही साथ इस मामले में अभी एक नया मोड़ आ गया है, जिस पर बर्खास्त आरक्षक नीरज जोशी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर कहा कि यहां कोई विभागीय जांच नहीं करवाना चाहता, पर एसपी ने अपनी मनमानी से जानबूझकर मुझे फंसाया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में सही से जांच होगी तो मैं जरूर निर्दोष साबित हो जाऊंगा, परंतु एसपी ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब सवाल यह है कि आखिर क्या वजह रही कि एक आरक्षक ईवीएम की सुरक्षा करते करते फरार होकर बागी बनने पर मजबूर होना पड़ा, आखिर क्यों? जब उसके द्वारा मांग की गई कि यहां कोई जांच नहीं करवाना चाहता तो उसकी मांग को क्यों नजरअंदाज किया गया? इसी तरह के कुछ ऐसे सवाल हैं जो पुलिस की कार्यवाही में संदेह पैदा करते हैं। इससे बात को लेकर आजकल शहर में नीरज जोशी उर्फ टोनी की बातें शहर में लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है और साथ ही साथ उनके कार्य की व्यस्तता के संबंध में जब हमने एसपी महोदय से फोन पर बातचीत की तो उनसे फोन पर बातचीत नहीं हो पाई और इसी के चलते अब पूरे मामले में एक नया बवाल शुरू हो गया है। मेरे साथ कोई भी घटना दुर्घटना कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार एसपी राजीव मिश्रा जी होंगे। मेरे साथ जांच की गई, मेरी विभागीय जांच की गई, उसको मेरे मना करने के बाद भी मैंने लिख के आवेदन में दिया, मेरी जांच की गई, जांच कर दी उन्होंने, बर्खास्त कर दिया मुझे। तुगलकी फरमान सुनाए गए, वो तो मनमानी कर रहे हैं अपनी, वो खुद सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, रिश्वत खोरों में नंबर 1 पे एसपी हैं। इनको तो सिर्फ पैसा चाहिए, सिपाही हवलदार इनको सबको परेशान करते हैं। मुझ पे अब फिर झूठा मुकदमा लगाएंगे, पहले भी मुकदमे लगाए थे मुझ पे, फिर झूठा मुकदमा लगाएंगे ये। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता ना, मैं डरता उस चीज़ से। जब मैं लिख लिख के इनको दे रहा था कि मुझे आपसे जांच नहीं कराना है, नहीं कराना, नहीं कराना, तो फिर भी आपने जांच करी और जांच सिद्ध करके और मुझे बर्खास्त कर दिया। मतलब आप लोगों की दादागिरी चल रही है शुद्ध। आप एसपी हो, मतलब आप राष्ट्रपति हो, तुगलक की फरमान सुनाओगे आप कि आप जो फैसला लोगे वो फैसला ही होगा। कोर्ट नहीं है, कानून नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्ट एसपी है ये।